ना मंदिर का विरोध किया है ना राम लल्ला का विरोध किया है। इसी डॉक्टर को बोल दो हमारे भावना है, इनका ऑपरेशन मत करो, उनका ये मत करो, डॉक्टर बोलेंगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या करना है हम देखेंगे, यहाँ नेता नहीं आएगा, फैमिली मेम्बर नहीं आएगा। उसी प्रकार मंदिर बन रहा है तो मंदिर के गर्भगृह में जो होगा वो धर्माचार्य जी तय करेंगे। शास्त्र के अनेक चीज़ों का पालन नहीं हो रहा है, आधा तितेर आधा बटेर, मंदिर पूरा होने के बाद, स्थापना होने के बाद उसको और विशाल बना दिया। देखना चाहते हैं कि भारत के राष्ट्रपति महोदया जाएंगी या नहीं। शंकराचार्य महाराज भी जब मंदिर बन रहा था या अभी जो चल रहा है उसके बीच में जाकर वे उसका निरीक्षण भी करके आए और वे संतुष्ट थे, जो चल रहा है ठीक है। इन्होंने अचानक से कुछ करना प्रारंभ, राम जी को ये लोग सेक्युलर बना करके अपने नेता जैसा राम जी को बना दे, नकली व्यक्तियों को शंकराचार्य बनाकर वहाँ प्रस्तुत करके देखो देखो शंकराचार्य जी आ गए, ऐसा लोगों के सामने आँखों में धूल भी डालने की संभावना। आचार्य जी भाजपा के बोल बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी तटस्थ होते हैं, वे भगवान के होते हैं, वे किसी पार्टी पक्ष के नहीं होते। लेकर जो केस लड़ी जा रही है उसमें दावेदार ये किसी पक्ष के लोग हैं क्या? हिंदुत्ववादी पक्ष के नाम से जो घूम रहे हैं, वोट बटोर रहे हैं, उनके लोगों में से कोई दावेदार है उसमें? सभी संत हमारे पक्ष में हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस समय पूरे देश में सिर्फ एक ही मुद्दे का बोलबाला है और वो है राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का। बताते चले 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है और इसी सिलसिले में शंकराचार्य ने जो विरोध किया है उसको लेकर तरह तरह के राजनीतिक बोल भी सामने आ रहे हैं। बताते चले देश में चार कोनों में, चार दिशाओं में शंकराचार्य का मठ बनाया गया है। बालक शंकर जो थे उन्होंने शंकराचार्य की एक पदवी बनाई, उनके बाद से लगातार जिस तरीके से शंकराचार्य की पदवी एक हिंदुत्व के लिए महत्वपूर्ण रही है, उसके बाद से अब राम मंदिर के लिए अगर शंकराचार्य विरोध कर रहे हैं तो आखिर उसके पीछे क्या कुछ वजह है, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन इस वक्त हम निर्मल गांव में उपस्थित हैं, ये शंकराचार्य का मंदिर है और यहाँ पर हमारे साथ में उपस्थित हैं वेदमूर्ति धनंजय शास्त्री वैद्य, जो कि ओडिशा पुरी के जो शंकराचार्य हैं स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी उनके शिष्य हैं और साथ ही ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं धर्मसभा विद्वत संघ श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य पीठ के। इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शंकराचार्यों का विरोध क्यों है, क्या तिथि में कोई गड़बड़ी है। हालांकि कहा ऐसा जा रहा है कि राम मंदिर पूरी तरीके से बना नहीं है, इसके चलते विरोध किया जा रहा है। सबसे पहले स्वामी जी आपको नमस्कार। जय श्री राम। क्या कहेंगे आप जिस तरीके से लगातार विरोध किया जा रहा है शंकराचार्यों द्वारा, तो क्या लगता है इसको लेकर कहा जा रहा है कि आखिरकार विरोध क्यों किया जा रहा है? 500 वर्षों से अधिक राम भक्तों की प्रतीक्षा कहीं ना कहीं पूरी हो रही है, तो शंकराचार्यों को भी इस खुशी में सहभागी होना चाहिए। वास्तव में आपको स्पष्ट कर दूं कि चार शंकराचार्य जी की पीठ है, उत्तर में बद्रीनाथ का है, पश्चिम में द्वारका का है, पूर्व में जगन्नाथपुरी का है और दक्षिण में श्रृंगेरी का है जी। इन चारों पीठों के शंकराचार्य जी ने ना मंदिर का विरोध किया है ना राम लल्ला का विरोध किया है। जगतगुरु शंकराचार्य जी ने जो आक्षेप व्यक्त किया है वो आक्षेप शास्त्र के पालन न होने पर है, ना मंदिर का विरोध है ना प्रतिष्ठा का विरोध है। उनका आग्रह यह है कि राम जी का यह मंदिर धार्मिक कार्य है और धर्म में भगवद्गीता के अनुसार तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ये कहा गया है। इसमें सियासत का प्रमाण नहीं माना जाता, इसमें शास्त्र का प्रमाण माना जाता है क्योंकि ये धार्मिक मामला है। यहाँ पर शास्त्र के अनेक चीज़ों का पालन नहीं हो रहा है, आधा तितेर आधा बटेर इस प्रकार का शास्त्र का पालन आधा अधूरा कर दिया जा रहा है। तो जगतगुरु शंकराचार्य धर्माचार्य होने के कारण वे सन्यासी हैं, वे हम सभी के आचार्य हैं, हिंदू धर्म के सबसे शीर्ष आचार्य हैं, तो इसीलिए उन्होंने अपना कर्तव्य निभाते हुए कहा जाता है शासक पर शासन करने वाले। हाँ बिल्कुल, इसीलिए वे कह रहे हैं कि शास्त्र के अनुसार ये होना चाहिए। जब पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनी तब उन्होंने नहीं कहा कि मुहूर्त ठीक है या नहीं है या क्या है, क्योंकि वो सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है, उसका आप सेक्युलर ढंग से स्थापना करो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर ये मंदिर है तो मंदिर की स्थापना शास्त्र के अनुकूल ही होनी चाहिए, क्योंकि राम मंदिर पूरे देश नहीं पूरे विश्व भर के मंदिर निर्माण में आदर्श बनने वाला है। लेकिन कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी उस समय वो मंदिर भी पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ था, उसके बावजूद प्राण प्रतिष्ठा नहीं, की गई थी, तब शंकराचार्यों ने विरोध नहीं किया था। देखिए वो गलत जानकारी फैला रहे हैं, वो गलत जानकारी फैला रहे हैं। सोमनाथ मंदिर की स्थापना में वाई के बड़े बड़े पंडित लोग गए थे,
उस संस्था से हम लोग भी संबंधित हैं, हमको पता है ऐसा नहीं हुआ था। हाँ, ये जरूर हुआ था कि सोमनाथ मंदिर पूरा होने के बाद, स्थापना होने के बाद उसको और विशाल बना दिया गया। तो अगर यहाँ भी ऐसे होता कि पहले मंदिर छोटा बनाकर उसमें स्थापना करके फिर विशाल बनाते रहते, गुंबद नहीं बना था, ध्वजारोहण नहीं हुआ, नहीं, सब हुआ था सोमनाथ में, सब हुआ था, हमारे पास फोटो है। सोमनाथ में ऐसे नहीं, वो गलत, आपको तो पता है सियासी लोग, उनका आईटी सेल काम करता रहता है कुछ ना कुछ, उसको कोई मतलब, हाँ वो भ्रामक तथ्य है, उसमें कोई मतलब नहीं है। अभी आपको बता दें, चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, हमको तो ये भी आशंका है, राष्ट्रपति महोदया को भी आमंत्रण दिया गया है, पर हम कल देखना चाहते हैं कि भारत की राष्ट्रपति महोदया जाएंगी या नहीं, क्योंकि सोमनाथ के प्रतिष्ठा में तो भारत के राष्ट्रपति महोदय गए थे, इसमें जाएंगे या नहीं हमको देखना है। हमको देखना है कि इसमें ये लोग सियासत कर नहीं रहे हैं। आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि महामहिम राष्ट्रपति वहां उपस्थित नहीं हो? जिस प्रकार से मंदिर प्रतिष्ठा के मामले में सियासत की जा रही है, उससे हमको यह आशंका है कि कल राष्ट्रपति महोदया जाएंगी या नहीं, इस पे हमारी आशंका आज भी है, और कल ताला खुल के समझ जाएगा सबको राष्ट्रपति महोदया जा रही है या नहीं। तो निश्चित तौर पर आप इंतजार कर रहे हैं? हम इंतजार कर रहे हैं, हम देखना चाहते हैं। जैसे सोमनाथ का उदाहरण ये दे रहे हैं, तो सोमनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा में राष्ट्रपति महोदय स्वयं गए थे, अब देखना चाहते हैं, अगर ये सोमनाथ का उदाहरण दे रहे हैं, तो क्या सचमुच राष्ट्रपति महोदय इस बार वे जाएंगे या नहीं। लेकिन शंकराचार्यों के तमाम विरोधों के बावजूद, विरोध नहीं है, हम बताना चाहते हैं, मंदिर का विरोध नहीं है, नहीं मंदिर का विरोध नहीं, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा गलत तिथि के अनुसार, और पूरा देखिए, केवल तिथि का मामला नहीं है, शास्त्र के बहुत सारे मामले हैं जहां गड़बड़ी हो रही है, और ये जो मामले हैं समाज के सामने रखने में कोई मतलब नहीं होता। केवल शंकराचार्य जी ने यह कह दिया है कि आधा तितर आधा बटेर हो रहा है, तो शास्त्र का उत्तम रीति से पालन होना चाहिए। ट्रस्ट की ये जिम्मेवारी है कि वे जगतगुरु जी के पास आएं, और चूंकि अयोध्या मंदिर पूरी शंकराचार्य जी के क्षेत्र के अंदर आता है, और शंकराचार्य महाराज भी जब मंदिर बन रहा था या अभी जो चल रहा है उसके बीच में जाकर वे उसका निरीक्षण भी करके आए, अच्छा। और वे संतुष्ट थे, जो चल रहा है ठीक है, इन्होंने अचानक से कुछ करना प्रारंभ कर दिया, तो इनको चाहिए था कि जगतगुरु शंकराचार्य जी का मार्गदर्शन लेते। अब ये ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वे बता रहे हैं हम अमुक स्वामी जी से परामर्श लिया, पर जिनका नाम वे ले रहे हैं वो तो चार पीठों के शंकराचार्य है ही नहीं, अब न जाने उनको किस पीठ के शंकराचार्य बनाकर घुमा रहे हैं। हमको तो पूरे देश ये भी देखना चाहेगा कि कल कहीं ये लोग कल के कार्यक्रम में नकली व्यक्तियों को शंकराचार्य बनाकर वहां प्रस्तुत करके, देखो देखो शंकराचार्य जी आ गए, ऐसा लोगों के आंखों में धूल भी डालने की संभावना हमको लगती है। अच्छा, इसीलिए हम कहना चाहते हैं चार पीठों में से कोई नहीं जा रहे हैं, तो कल जो दिखेंगे और कल जिनको प्रोजेक्ट किया जाएगा ये शंकराचार्य है, मान लेना ये सब जुमलेबाजी कर रहे हैं, नकली और असली में अंतर आप समझ लीजिए। तो जिस तरीके से शंकराचार्य लगातार मंदिर पूरा नहीं होने के चलते विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद तिथि तो कहीं टल नहीं रही है, क्या लगता है इसके बाद शंकराचार्यों का अगला कदम क्या कुछ होगा? देखिए, बात ऐसी है कि ट्रस्ट की ओर से ये कहा गया है कि 21 तारीख तक शंकराचार्य जी आए और हमसे जो गलती हो रही है उसको सुधार दें। क्या व्यावहारिक दृष्टि से ये संभव है? व्यावहारिक दृष्टि की बात करनी चाहिए थी, अगर आपको शंकराचार्य जी का मार्गदर्शन लेना ही था तो तिथि तय करने से पहले ही जाते, उनका परामर्श लेते, उनका मार्गदर्शन लेते, पर ये लोग वहाँ नहीं गए, दिल्ली में जाकर बैठे। तो ये सब जो है ये मंदिर की पॉलिटिक्स हो रही है, मंदिर के नाम पर सियासत हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। ये पूरे आस्था का, भावनाओं का प्रश्न है, शास्त्र का प्रश्न है, इसमें दिल्ली प्रमाण नहीं होता, इसमें जगतगुरु जी के पीठ प्रमाण होते हैं। शंकराचार्य लोग कांग्रेसी बोल रहे हैं, ऐसा भी कहा जा रहा है, सियासी बोल रहे हैं। देखिए, बात ऐसी है कि जब जगतगुरु शंकराचार्य जी ने पूर्व सरकारों पर जब आक्षेप लिया, तब आपकी ही मीडिया इस प्रकार प्रस्तुत कर रही थी कि शंकराचार्य जी भाजपा के बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी तटस्थ होते हैं, वे भगवान के होते हैं, वे किसी पार्टी पक्ष के नहीं होते, समझ गए? तो कोई शंकराचार्य जी ऐसे किसी पार्टी का पक्ष नहीं लेते। ऐसे में सवाल इधर से भी किया जा रहा है और उधर से भी किया जा रहा है, दोनों तरफ से जब सवाल किया गया तो ऐसे में सवाल ये भी आया कि शंकराचार्यों का हिंदुत्व के प्रति क्या कुछ योगदान रहा और राम मंदिर के प्रति उनका क्या कुछ योगदान रहा। हालांकि टीवी चैनलों के माध्यम से देखा जाए तो अविमुक्तेश्वरानंद स्वामी सरस्वती जी का कहना है कि उन्होंने 40 दिन डिबेट की, लेकिन साफ तौर पर इस पर और भी लोगों का करना है, कहना है, राम भद्राचार्य जी हो या और लोग हों, बीजेपी के नेता हों, वो लोग ये सवाल कर रहे हैं उनका योगदान कहाँ है।
बीजेपी ने जितने संतों को खड़ा कर दिया उन सभी की दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, आप उसका जजमेंट लेकर देखिए। अब जगतगुरु शंकराचार्य तो राम भद्राचार्य भी कर रहे हैं, निकाल तो ऑनलाइन अवेलेबल है, सामान्य आदमी भी देख सकता है। अब रहा प्रश्न ये कि शंकराचार्य जी ने राम मंदिर के लिए क्या किया, यही बात है ना सब चर्चा आईटी सेल, हाँ हिंदुत्व के लिए आईटी सेल वाले यही चर्चा चला रहे हैं। आप बताइए जब ये तथाकथित राजनैतिक दल और हिंदुत्ववादी पक्ष स्थापित हुए क्या उससे पहले राम मंदिर का इशू नहीं चल रहा था? 300 सालों तक 42 बार जिन नागा साधुओं ने आंदोलन किया, जोरदार प्रदर्शन किया, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। ये नागा साधु कौन होते हैं? ये दशनामी अखाड़ाओं के होते हैं। ये दशनामी अखाड़ा किनके होते हैं? जगतगुरु शंकराचार्य जी के होते हैं। तो 300 वर्षों में जगतगुरु शंकराचार्य जी के पीठ के सैनिकों ने, जिन्हें नागा साधु कहा जाता है, उन्होंने 42 बार जोरदार टक्कर दी है। अच्छा, वहाँ पर रामलल्ला जो प्रकट हो गए 48 के समय, नहीं स्वतंत्रता के समय, वो किनकी प्रार्थना से प्रकट हुए? करपात्री जी महाराज जो कि तत्कालीन जगतगुरु शंकराचार्य जी के शिष्य थे, उन्हीं के प्रार्थना से रामलल्ला प्रकट हुए। अच्छा, तब से लेकर जो केस लड़ी जा रही है उसमें दावेदार ये किसी पक्ष के लोग हैं क्या? हिंदुत्ववादी पक्ष के नाम से जो घूम रहे हैं, वोट बटोर रहे हैं, उनके लोगों में से कोई दावेदार है उसमें? कोर्ट के पिटीशन में तो जगतगुरु शंकराचार्य जी एक दावेदार है। 40 दिनों तक उन्होंने बहस की है। अलाहाबाद हाईकोर्ट का 10,000 पन्नों का जजमेंट देख लीजिए, उसमें कितनी बार जगतगुरु शंकराचार्य जी का नाम आया है। तो ये लोग पूरा श्रेय अपने ऊपर लेना चाहते हैं, हालांकि जगतगुरु शंकराचार्य जी को कोई श्रेय नहीं चाहिए। परंतु इसका सियासीकरण जो हो रहा है ये गलत बात है। और ये भी गलत बात है कहना कि जगतगुरु शंकराचार्य जी का कोई योगदान नहीं है। आप बताइए हिंदुत्व की रक्षा में विजयनगर साम्राज्य किन्होंने स्थापित किया? जगतगुरु शंकराचार्य जी के ही शिष्य हरिहर बुक ने स्थापित किया था। यहाँ गुजरात में सोलंकी राजा, भीमदेव सोलंकी राजा इत्यादि थे, उनको मार्गदर्शन करके पारसियों को भारत में पनाह देने के लिए एक उत्तम रास्ता निकालने वाले कौन थे? जगतगुरु शंकराचार्य जी ही थे। तो जगतगुरु जी को आज भी ट्रस्ट के लोग भी सम्मान देते हैं, उनका कुछ कार्य नहीं है इसलिए सम्मान थोड़ी ना दे रहे हैं, कार्य है तभी दे रहे हैं। ये तो आईटी सेल के लोगों का काम होता है लिपापोती करते रहना, उन पर ज़्यादा जाना नहीं चाहिए, जनता जानती है। अरे जवाहरलाल नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया उठाकर पढ़िए, डॉक्टर अंबेडकर जी की रिडल्स इन हिंदुइज्म उठाकर पढ़िए, उसमें शंकराचार्य जी का गौरव किया है। तो जब जवाहरलाल नेहरू जी गौरव कर रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर गौरव कर रहे हैं, विनोबा भावे गौरव कर रहे हैं, गोलवलकर गुरु जी तो साष्टांग दंडवत करते थे जगतगुरु शंकराचार्य जी को, तो निकम्मे लोगों को कोई दंडवत करता है? लेकिन बागेश्वर बाबा ने आप लोगों के पक्ष में जरूर कहा है कि हिंदुत्व के प्रधानमंत्री सभी शंकराचार्य ही है। सभी संत हमारे पक्ष में है, जो नेताओं ने खड़े हुए संत हैं उनको नेता कहेंगे, बैठो बैठेंगे, उठो उठेंगे, तो जो उठने बैठने वाले हैं वो नेताओं के हैं, जो वास्तव में शंकर जो साधु होते हैं वो सभी शंकराचार्य जी के ही पक्ष में हैं। आपने देखा होगा उमा भारती जी शंकराचार्य जी के पक्ष में बोली या नहीं? उमा भारती जी बोली, यहाँ बागेश्वर धाम के बाबा जी बोले, वहाँ रामानुजाचार्य जी बोल रहे हैं, ये रामभद्राचार्य जी जो मोदी जी के मित्र है उन्होंने घोषित किया ना स्टेज पर, हमारे मित्र है, उनको छोड़ के बाकी रामानंदाचार्य जी, बागेश्वर बाबा तो उन्हीं के शिष्य है, जो भी हो उन्होंने सत्य का पक्ष लिया या नहीं? इशारों में जरूर लिया, जरूर लिया। इसका मतलब क्या है? उन्होंने अपने ही जो आदर्श थे उनको नकार दिया, बोले नहीं आपका नहीं सुनेंगे, हम जगतगुरु जी का सुनेंगे, वे हमारे गुरु हैं। तो ये बात है। तो कुल मिलाकर ये सब सियासी हड़बड़ी में जल्दी जल्दी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल हड़बड़ी में की जा रही है, और मंदिर प्रतिष्ठा में पूरी सियासत लाई गई है, और शास्त्र का पालन आधा तीटर आधा बटेर इस ढंग से किया जा रहा है जिसका विरोध जगतगुरु जी ने किया है। जगतगुरु जी ना मंदिर के विरोधक है ना रामलल्ला के विरोधक है, हो ही कैसे सकते हैं। तो ये माने प्राण प्रतिष्ठा के दौरान नहीं लेकिन बाद में अयोध्या शंकराचार्य समेत आप सभी पहुंचेंगे। सभी शंकराचार्य जी, हम लोग अयोध्या जाते रहे हैं, हमारे रामलल्ला का जन्म स्थान है, क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। परंतु ये जो चल रहा है क्या हमारा जिम्मेवारी नहीं है कि रामलल्ला की विधिवत प्रतिष्ठा हो? अगर आप किसी डॉक्टर को बोल दो हमारे भावना है, इनका ऑपरेशन मत करो, उनका ये मत करो, डॉक्टर बोलेंगे ऑपरेशन थिएटर के अंदर क्या करना है हम देखेंगे, यहाँ नेता नहीं आएगा, फैमिली मेम्बर नहीं आएगा। उसी प्रकार मंदिर बन रहा है तो मंदिर के गर्भगृह में जो होगा वो धर्माचार्य जी तय करेंगे, वो नेता नहीं तय करेंगे। ये है,
तो हम नहीं चाहते कि राम जी को ये लोग सेक्युलर बना करके अपने नेता जैसा राम जी को बना दे। हम चाहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा हो, जो उनकी चरित्र की गाथा है उसी अनुसार। तो ये थे वेदमूर्ति धनंजय वैद्य शास्त्री जी, जिनसे हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पर कहना है, हिंदुत्व के तथाकथित प्रवक्ता बने, प्रखर प्रवक्ता बने जो लोग घूम रहे हैं, उनका आखिर क्या कुछ योगदान है। असल मायने में शंकराचार्यों का हिंदुत्व के प्रति बहुत बड़ा योगदान है और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पदवी है हिंदुत्व के लिए। आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ सियासी उलटफेर होता है, ये सब कुछ देखना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।